वेलकम नाज़रीन दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरजमन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नदीम बारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से पीटीआई के एमपी हैं। बारा साहब क्या कहेंगे, सियासत किस तरफ जा रही, क्योंकि यहाँ पे तो अब चल रहा है एक बार फिर हुकूमत की तब्दीली की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह सियासत इस वक्त बहुत स्टेबल है और परवेज़ लई ने जो है पंजाब का जो बेड़ा उठाया है वो बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह चल रहा है। लोगों के काम भी हो रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, तरक्याती कामों की भरमार हो गई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरह उन्होंने महरूमी के शिकार जो थे लोग, या जो पिछले दौर में पीटीआई के लोग भी जो जिनके काम वो कहते थे नहीं होते, अब वो सब कहते हैं कि काम। आपको कोई थोड़ी जेलसी नहीं फील होती गुजरात वालों से कि 37,000 रुपये उनके लिए और आपके लिए लाहौर की? हमें तो कॉलेज नहीं कह रहे हैं कि 10 करोड़ नहीं, आप 37,000 उनके लिए बता रहे हैं, हम जितना मांगे देते हैं, हमें तो जितना जो मांगे वो मिलता है। तरक्याती कामों की भरमार है, ऐसा इशू ही नहीं है कोई। ठीक है, हाँ, तरक्याती कामों की भरमार है और चौधरी परवेज़ अली स्टेबल हैं और वही वज़ीर आला रहे।